हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अपसे तपोस। हम खेलने जा रहे हैं GTA 5 रियल लाइफ मोड और आप देख रहे हो गेम आई। देख रहे हो यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है। माइकल का मौत का जश्न मनाया जा रहा है। तो जिसने माइकल की मौत वाला एपिसोड नहीं देखा, मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, वो जाके देख सकता है। खैर, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पार्टी रखी थी क्योंकि यार माइकल तो मर गया। अब मुझे लॉस सैंटोस पे कब्जा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरे आगे नहीं आ सकता। कितना खुश है मेरे लोग, देख रहे हो, हर कोई खुशी मना रहा है। टीना, तुम्हें क्या हुआ यार, तुम डांस नहीं कर रही, क्या हुआ है, फसला कोई? नहीं डैड, मैं जी तो खूब एंजॉय कर रही हूँ। मैं मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। असल में मैं थक गई थी तो मैंने कोई कॉफ़ी पी लेते हैं। देखो सारे खुश हैं, मुझे बस थोड़ा सा जिमी भी याद आ रहा है। वो काफ़ी उसकी क्यूट शक्ल थी, वो भी याद आ रहा है। लेकिन खैर छोड़ो, आप कॉफ़ी पियेंगे? नहीं टीना नहीं, तुम कॉफ़ी पियो यार, एंजॉय करो, आज खुशी का दिन है, सारे खुश होंगे। डांस करो, डांस करो। ओए नहीं बाजू में ना, मैं तो मन कर रहा हूँ। तू क्यों गाना गा रहा अकेला, डीजे ने बुलाया क्या? जी जी बॉस, यार वो कॉपीराइट आ जाते हैं ना, इसलिए मैं खुद ही गाना करने पड़ा। अच्छा आप डांस करें, डांस करें काफ़ी मज़ा आएगा। आज मैं तो बहुत खुश हूँ बॉस, आपने माइकल को मार के ना। डांस करें आप भी। नहीं 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 नहीं, तू करता रह, डांस करता रह, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुश रहा करो यार सारे के सारे। तो गाइस, मैंने माइकल को कैसे मारा था कल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टीवी पे। टीना टीना टीना, इन सारों को चुप करवाओ, मैंने बात करनी है। ओके डैड, मेरी बात सुने सारे के सारे। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो बॉस ने आपसे बात करनी है कुछ, तो सारे एक मिनट में तवज्जो हो बॉस की तरफ। बॉस, अरे थैंक यू टीना, थैंक यू थैंक यू। तो नौजवानों मेरी बात सुनो, आज जिस वजह से तुम लोग पार्टी मना रहे हो, वो वजह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हें पार्टी माइकल की मौत की वजह से दी गई है। आज तुम जो जश्न मना रहे हो, उस जश्न ऐसे ही मनता रहना चाहिए, क्योंकि अब माइकल के सिवा और कोई नहीं है जो हमसे टक्कर ले सके। अभी मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जो मेरा लड़का रिकॉर्ड करके लाया था माइकल की मौत के वक्त। आओ सारे देखते हैं वो क्लिप और उससे सबक हासिल करते हैं। हाँ भाई लगाओ क्लिप। आ जाओ, कमोन कमोन माइकल, कमोन कमोन कमोन, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। अभी कहाँ रह गए? ओए आगे 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 आगे, दोनों आगे फाड़। यस यस यस, देखा गाइस आप लोगों ने, इस तरह हमने माइकल को मारा था। और अब माइकल वापस नहीं आ सकता, ना ही हमें कोई लॉस सैंटोस पे कब्जा करने से कोई रोक सकता है। अब हम राज करेंगे, हुकूमत भी मेरी होगी, गुलाम भी मेरे होंगे। लेकिन बॉस बॉस बॉस, इस वीडियो के नीचे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो लगे हाथ उन लोगों को भी जवाब दीजिए। माइकल की बड़ी तारीफ कर रहे हैं वो लोग। कमेंट्स माइकल की तारीफ, ऐसा है क्या? इतना अच्छा लगता है माइकल उनको, दिखाओ कैसे है कमेंट्स, कौन कर रहा है कमेंट्स? जी जी बॉस, टीवी पे देखिए, टीवी पे आएंगे, टीवी पे लगाता हूँ। हाँ चलो लगाओ, दिखाओ कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। जी जी बॉस, ये पहला कमेंट है अरम रहमान का, वो कह रहा है माइकल मार देगा बॉस को। तो अरम रहमान, ये तुम्हारी भूल है कि माइकल मुझे मार देगा, माइकल मुझे नहीं मार सकता। ये क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, चल अगला कमेंट लगा। अगला कमेंट किसका है इनको मैं बताता हूँ। जी जी बॉस, ये अगला कमेंट टॉक्सिक गेमिंग का, वो कह रहा है कि माइकल ख्वाब देख रहा है। अच्छा टॉक्सिक गेमिंग, माइकल ख्वाब नहीं देख रहा, ख्वाब तुम देख रहे हो। मैंने माइकल को मार दिया, वही बताना इनको, मार दिया मैंने माइकल को, माइकल अब जिंदा नहीं है। दूसरा कमेंट लगा, और लोग क्या कह रहे हैं? जी 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 बॉस बॉस, ये अगला कमेंट व्लॉगर वॉइस का, वो कह रहा है कि अगर माइकल को वापस लाओ नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये व्लॉगर्स वॉइस मुझे धमकी दे रहा है, हाँ माइकल को लाने के लिए इतना तड़प रही है। इसको कह दे, बल्कि मेरी बात सुन, ये व्लॉगर बॉयज जहाँ भी रहता है इसको यहाँ पर लेके आ, खुद भेजे मैं गोली मारूंगा इसके, ढूंढ के ला इसको जैसे करते से करके। जी बॉस, इसको हम ढूंढ नहीं सकते बॉस, आप इसको जवाब दे सकते हैं बस। एक काम कर, इसको दोबारा जवाब दे कि धमकी से डरने वाला नहीं हो, माइकल को मैंने मार दिया है, बस इतना ही कह दे। नेक्स्ट कमेंट लगा, और लोग क्या कह रहे हैं? जी 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 बॉस, ये नेक्स्ट कमेंट मीर मूसा का, वो कह रहा है कि ओपी वीडियो। ओपी वीडियो, ये ओपी वीडियो का मतलब होता है? गाली दी इसने मुझे क्या, बता
गाली तो नहीं दी इसने मुझे? नहीं नहीं बॉस, बॉस गाली नहीं दी इसने, इसने आपकी तारीफ की, इसने कहा बहुत अच्छी वीडियो है, इसको पसंद आई है वीडियो, तो इसने सच में मेरी तारीफ की है, इसको मेरे काम पसंद आ रहे हैं, माइकल को मारना इसको पसंद आया, ये अच्छा लड़का है, इसको मेरी तरफ से दिल दे दे। जी जी बॉस, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। अच्छा अगला कमर लगा, और लोग क्या कह रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ इन लोगों की बातें, अभी लगाना क्यों नहीं लगा रहा? जी जी बस 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 इतने कमेंट्स थे, ख़त्म हो गए कमेंट्स, और नहीं है। अच्छा तो बस इतने कमेंट्स थे, चल खैर कोई बात नहीं, इनको वक्त पे जवाब दे दिया कर मेरी तरफ से, इंतज़ार ना करें ये। जी जी बस इंतजार से दे दूँगा वक्त पे। और हाँ एक काम कर, जब ये पार्टी ख़त्म हो जाए ना तुम मेरे से मिलियो, तो ज़रूरी बात करनी है तेरे से, नेक्स्ट प्लान बताना कि क्या करेंगे हम, क्योंकि अब माइकल तो है नहीं, मेरे काम में कोई रुकावट तो बन ही नहीं सकता ना, पूरे लॉस सैंटोस पे हुकूमत करूँगा मैं, और जहाँ तक माइकल के दोस्त की बॉडी है उसको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको भी बहुत जल्द मारूंगा मैं, आएगा वो मेरे से मिलने, तू मेरे से मिलने आ पहले, ठीक है ये ख़त्म होने के बाद। जी जी बॉस मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ और आप लोग इंजॉय करो, पार्टी इंजॉय करो, खुशी का दिन आज, नेक्स्ट मूव मैं आप लोगों को बता दूँगी क्या करनी है, कैसे मैं कब्जा करूँगा पूरे लॉस सैंटोस पे, हर जगह मेरा ही नाम होगा द बॉस। अरे यार ये महमूद और फारूक बेटे यार पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं यार, कब से मैं घूम ही जा रहा हूँ यार इधर उधर, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी मैं माइकल की बीवी के पास आया हूँ ना यार, इससे पूछ चुके कि यार कहाँ पर है वो लोग यार, उसका नंबर भी बंद जा रहा है, तो ये ट्रैवल कार भी नहीं उठा रहा मेरी, अब यार काटते देखते साथ ही बंद कर देता है यार, ऊपर से जिमी भी पता नहीं यार गायब हुआ भाई यार, मैंने कहा यार अपने पुराने घर पर आया वो कब है भाई, यहाँ पर भी कार रख ले यार इन लोगों को यार कितनी। सर बाइक से उतर जाए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे यार क्या हो गया यार, मैं जानने वाला हूँ यार इनका यार, मेरा नाम चचा मशहूर चचा है ना यार, जाने देना यार, जान दो मैं इनको यार। जी सर हमें ऑर्डर मिले, आप अंदर नहीं जा सकते, अपना नाम बताइए, हम मैम को बताते हैं कि आप आए हैं, मैम खुद आपसे मिलेंगी। अरे यार यार ऐसी बातें क्या कर रहा है यार, जानने वाले हैं यार, मेरा नाम चचा है यार, जल्दी से बुला दे यार, इम्पोर्टेंट बात करनी है मैंने यार अपनी बेटी के बारे में यार, जानते हैं यार कोई गैर बंदा तो हो नहीं मैं। जैसे सर रुके 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 रुके, मैं भी मैम को बता के आता हूँ, अगर जानती हुई तो आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, यहीं पर वेट करिए, कहीं जाइएगा ना मत। अरे हाँ यार, तो ये पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार यहाँ पर, मैम ने भी ना पता ही नहीं हमें क्यों रखा है यहाँ पर, खैर मैम को बता देते हैं कि वो कोई मिलने आया आपसे, कहाँ पर है ये रही, ये रही, ये रही। मैम 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 कोई आया आपसे मिलने के लिए, कोई गंजा सा आदमी टाइप कोई बंदा है, कह रहा कि आपको बुला दें, ज़रूरी बात करनी है। अरे कौन गंजा सा बंदा, मैं तो किसी गंजे बंदे को नहीं जानती, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैम अगर आप कहें तो मैं मना कर देता हूँ गेट से। नहीं रुको जरा मैं देख के आऊँ यार, कौन आ गया गंजा सा, मैंने तो देखा भी नहीं उसको, हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है गंजे, चलो मैं देख के आती हूँ ना, टाइम पास हो जाएगा, वैसे भी अंदर कोई ड्रामा ही नहीं आ रहा यार देखने के बारे में, लेकिन मेरी कमांडोज देख रहे हो आप, सही मैंने तैयार करवा दिया ना यार माइकल की दफ़ा, अब देखना कैसा हमला करेंगे हम लोग। ये कौन है जी भाजन, क्या काम है आपसे, किस किससे मिलना है आपने? अरे यार भाभी जी यार मैं हूँ ना यार माइकल का दोस्त का चर्चा हूँ ना यार, पहचाना नहीं यार, देखो यार पहचान गई होंगी आप तो यार। हाँ 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 याद आ गया याद आ गया, मैंने आपको देखा हुआ है, लेकिन अगर माइकल ने आपको भेजा ना कि मुझे लेने के लिए आ जाए, तो उसको साफ मना कर दो कि मैं नहीं आ रही, ठीक है, उसको खुद आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो खुद भी नहीं आया, तो उसको कह दो मैं नहीं आ रही। अरे भाभी जी यार मुझे माइकल ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो यार माइकल को ढूंढने के लिए आया हूँ यार, ना फारूक मेरा बेटा यार कार उठा रहा है, ना महमूद उठा रहा है यार, देखो यार यहीं पर होगा यार, मैं समझा आपकी तरफ आया होगा। नहीं वो मेरी तरफ नहीं आया, ठीक है यहाँ से चले जो, मुझे पता उसी ने भेजा होगा मेरी तरफ कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे ले आओ अपने घर पर, लेकिन मैं नहीं आना चाहती, साफ मना कर दो। अरे यार कैसी बातें कर रही है भाभी जी यार, वो तो है ही नहीं है घर पर यार, मैं तो कब से उसी को ढूंढ रहा हूँ यार, घर पे कोई भी नहीं यार, आप आके दे। अरे नो यार मैंने अभी एक सैड न्यूज़ सुनी है, अभी टीवी पे बता रहे थे कि माइकल जिमी भाई और फ्रैंकलिन भाई का एक कार एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कार ब्लास्ट कर दी, उनको वो लोग मर चुके हैं, अभी जाके मामा को बताती हूँ यार, पता नहीं पापा कैसे होंगे, पापा वो बता रहे थे कि सब लोग मर चुके हैं, मामा मामा अरे यार मामा यहाँ पर भी नहीं है, एक तो ये पता नहीं कहाँ पर चली जाती हैं यार, हर वक्त फिर रही होती हैं, बाहर होंगी शायद।
यार मेरे पापा मर गए हैं क्या? कहाँ गई? अरे वो खड़ी हुई यार, ये पता नहीं किससे बातें कर रही है, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है। मामा मामा मेरी बात सुने, मामा मेरी बात सुने। अच्छा ठीक है यार आप जाओ। हाँ ट्रेसी क्या हो गया यार, इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हो गया, हाथ पैर क्यों फूले हुए, क्या हुआ है? मामा मामा पापा मर गए हैं यार, मैंने अभी न्यूज़ सुनी थी, जिमी भाई फ्रैंकलिन भाई और पापा का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कार ब्लास्ट कर दी होंगी, वो लोग मर गए हैं। अरे यार क्या बात कर रही है यार, मेरा बेटा यार गाड़ी में था यार, उनके साथ वो कुछ किसने फाड़ दिया यार। नहीं चाचा मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ है, अभी न्यूज़ आई थी वो लोग मर गए हैं। तो ट्रेसी सच में तुमने न्यूज़ सुनी है, ऐसा है कि माइकल मर गया यार? ना करो सच में, मेरा माइकल यार, माइकल सॉरी यार। ट्रेसी तुमने सच में सुनी है, वो सच न्यूज़ है? अरे यार भाभी जी परेशान ना हो यार, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ यार, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कोई उसको फाड़े यार मेरे होते हुए। मैं अपने फारूक बेटे को यार मरने नहीं दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। कहाँ पर हुआ ये एक्सीडेंट? चाचा मैंने तो बस ये सुना था कि एक्सीडेंट हो गया, ब्लास्ट हुई है कार, जगह कौन सी है वो मुझे नहीं पता, मैंने बस आधी न्यूज़ सुनी थी। अरे मेरा माइकी, उसको मेरी ज़रूरत है चाचा, आप जल्दी से जाके उसको ढूंढ के लाओ यार, मेरा माइकी को घर लेके आओ। मैं माइकी को माफ़ करती हूँ यार, मैं माइकी को मेरी ज़रूरत है यार, माइकी को साथ लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, जाओ किसी भी। तो जी नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ और नहायत ही अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि माइकल द बिजनेसमैन एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अपने बेटे जेमी और फ्रैंकलिन अपने दोस्त के साथ बताया ये जा रहा है कि उनकी कार को एक ब्लास्ट से उड़ाया गया है। उन्होंने रिसेंटली मेज बैंक जैसी बड़ी बिल्डिंग को बचाया था दहशतगर्दों के हाथों से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि माइकल अब हम में नहीं रहे। उन्होंने बहुत ही कुर्बानियाँ दी हैं इस लॉस सैंटोस के लिए, उन्होंने एक गैंग, एक खतरनाक गैंग, पुल्ला नामी गैंग से भी हम लोगों को बचाया था, पुल्ला गैंग को मारा था उन्होंने और मेज बैंक की बड़ी बिल्डिंग को भी बचाया था। नाजरीन बहुत ही सैड न्यूज़ सुनाए रहे हैं हम आपको कि माइकल मर चुका है। खैर इसी तरह की बेकार और फजूल सी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि माइकल अब हमें नहीं रहा, माइकल मर चुका है। गाइस माइकल मर चुका है। अरे खाना तो खोल दो यार, मैं आ रहा हूँ, बस ये आखिरी न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूँ मैं। हाँ तो अरे माइकल मेरे दोस्त, इन लोगों ने तुझे भी मार दिया यार, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुझे उस मिशन पर लेके नहीं आना चाहिए था, ये एक्सीडेंट नहीं है, मुझे पता तुझे मारा गया, तेरी कार पे बम लगा था यार, वो तुझे बताया भी नहीं किसी ने माइकल, लेकिन तेरी मौत का बदला मैं लूँगा, उन सब से बदला लूँगा। ओए मेरी बात सुनो। ओए जी सर क्या हो गया सर, रो क्यों रहे हैं सर, क्या हुआ है, कोई परेशानी की बात है, हमें बताएं क्या हुआ है। यार उन लोगों ने माइकल को मार दिया यार, जिसने मेरी मदद की थी मेज बैंक के आइडिया को फ्लॉप करवाने के लिए, उन लोगों ने उसको मार दिया, मुझे भी नहीं पता है यार। एक काम करो, आर्मी तैयार करो। जी सर, राइट सर, आज ही हमला करना है उन पे, क्या आप जैसे हुक्म देंगे वैसे ही आर्मी रेडी हो जाएगी। हाँ हमला तो मैं करूँगा उन पे, तुम बस तैयार रखो, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही आर्मी तैयार होनी चाहिए, आज ही हम उन पे हमला करेंगे, छोड़ूंगा नहीं। माइकल तेरी मौत का बदला मैं लूँगा, जैसे मैं कहूँगा रेडी रेडी हो जाना तुम सब लोग, आज ही हम हमला करेंगे। जी सर फिक्र न करिए सर। अरे माइकल यार मुझे माफ़ कर दे यार, मेरी गलती है, मुझे तुझे उस मिशन पर लेके नहीं आना चाहिए था, अगर मैं तुझे उस मिशन पर ना ले जाता तो तू आज जिंदा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तेरी मौत का बदला मैं लूँगा, उन सबको भी मैं जीने नहीं दूंगा जिन्होंने तुझे जीने नहीं दिया, मैं आज ही मारूंगा उन लोगों को। ओए मेरी बात सुनो। अरे वाह 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 वाह, माइकल की खबर टीवी तक भी पहुंच गई है, अभी जाके बॉस को बताता हूँ, बॉस भी खुश हो जाएगा यार कि हमारे कारनामे टीवी पे भी चल रहे हैं, टीवी पर माइकल की न्यूज़ आई है। बॉस बॉस कहाँ है? बॉस 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 एक न्यूज़ है आपके लिए, बॉस एक न्यूज़ है सुनाना चाहता हूँ मैं। अरे शेर आ गया मेरा फिर से, कौन सी खबर लाया तू आज? हमेशा की तरह गुड न्यूज़ होनी चाहिए, पूरी खबर मैं सुनना नहीं चाहता क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। सुना खबर क्या है सुना। अरे बॉस बॉस गुड न्यूज़ है यार, आप फिक्र ना करें, बस आप टीवी ऑन करें, टीवी पे एक न्यूज़ आ रही है जिसको देख के हम सब खुश हो जाएंगे यार, बॉस आप टीवी ऑन करें, बस टीवी ऑन करके देखें। अच्छा ऐसा है क्या, क्या आ रहा है टीवी पे जो मुझे नहीं पता और मैं खुश भी हो जाऊँगा? अबे खुश करके तो नहीं आ तू। अरे बॉस टीवी तो लगाएं आप, चल 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 अंकल,
तो जी नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो नहायत ही अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि माइकल द बिजनेसमैन एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अपने बेटे जिमी और फ्रैंकलिन अपने दोस्त के साथ बताया ये जा रहा है कि उनकी कार को एक ब्लास्ट से उड़ाया गया है। उन्होंने रिसेंटली मेज बैंक जैसी बड़ी बिल्डिंग को बचाया था दहशतगर्दों के हाथों से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि माइकल अब हम में नहीं रहे। उन्होंने बहुत ही कुर्बानियां दी हैं इस लॉस सैंटोस के लिए। उन्होंने एक गैंग, एक खतरनाक गैंग, पुल्ला नामी गैंग से भी हम लोगों को बचाया था, पुल्ला गैंग को मारा था उन्होंने, और मेज बैंक की बड़ी बिल्डिंग को भी बचाया था। नाजरीन, बहुत ही सैड न्यूज़ सुनाए रहे हैं हम आपको कि माइकल मर चुका है। खैर, इसी तरह की बेकार और फजूल सी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि माइकल अब हमें नहीं रहा, माइकल मर चुका है। गाइस, माइकल मर चुका है। अरे खाना तो खोल दो यार, मैं आ रहा हूँ, बस ये आखिरी न्यूज़ पढ़ के आ रहा हूँ मैं। हाँ तो अरे वाह, इसकी खबर टीवी वालों को भी पहुँच गई यार, ये तो मशहूर हो गया। लेकिन एक कमी है, हमारी खबर क्यों नहीं छपी? माइकल को हमने मारा और हमारा ही नाम इस पर नहीं है, ये क्या बात हुई? न्यूज़ वालों को खबर दे, मेरा नाम क्यों नहीं है? अरे बोस, अगर उनको पता लग गया तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे बोस। उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी है, ऐसा तो ना करें। अरे मेरे शेर, तो तू डरता है क्या? मैंने माइकल को मारा है और ये दुनिया वालों को पता लगना चाहिए। अभी न्यूज़ चैनल वालों को खबर दे कि मैंने बॉस ने माइकल को मारा है, और नेक्स्ट ये भी बता दे कि पूरे लॉस सैंटोस पे मैं हुकूमत करूँगा, ये सब कुछ बता दे। और हाँ, मेरी अच्छी सी पिक्चर भी खींचियो माइकल की, देखिए कितनी गंदी पिक्चर आई है, अच्छी सी पिक्चर लगाइयो मेरी, ताकि पूरी दहशत फैलनी चाहिए लॉस सैंटोस के लोगों में कि उनका नया बॉस आया है। जी बॉस, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा कर देता हूँ, लेकिन एक दफ़ा दोबारा सोच लें आप, सच में करना। तो डैड यार, आप मेरी पिक्चर नहीं दोगे क्या टीवी वालों को? यार मैंने भी तो इतनी मदद की है आपकी, जिमी को तो मैंने ही पकवाया था और वो तो इतना क्यूट भी था, उस पर तो मुझे तरस भी आ रहा है अभी तक, तो आप मेरी पिक्चर नहीं लगाएंगे क्या? मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह पर्सनैलिटी हो मेरी, आप इतने डैशिंग लगते हैं, इतने ख़तरनाक लगते हैं। अरे टीना, तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ मैं, तुम यार मेरी जैसा ना हो, खतरनाक, ऊपर से मासूम, अंदर से और भी खतरनाक, तुम्हारी पिक्चर भी लगेगी मेरे साथ अच्छी सी। थैंक यू डैन, मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ यार, मेरे पास भी मास्क होता ना तो मैं भी वो भी लगा लेती। अरे टीना, मैं तुम्हें मास्क दे देता हूँ यार, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम तो एक मेरे 50 बंदे व्यापारी हो यार, तुम मेरी मेन प्लेयर हो। ओए मेरी बात सुन, टीना की भी पिक्चर लगा दे अच्छी वाली, ठीक है? उनको भी पता लगना चाहिए गैंग की बेटी है, खतरनाक। जी बहुत, जैसा आप कहते हैं वैसे मैं कर देता हूँ, उनकी पिक्चर भी लगा देता हूँ, आपकी पिक्चर भी दे देता हूँ न्यूज़ चैनल को। हाँ जल्दी से देखिए भाई, मैं भी अपने आप को टीवी के स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ कि माइकल की मौत मैंने लिखी थी। खैर गाइस, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी आप देखो कहाँ कहाँ कब्जा करता हूँ, हर एक की तरह की वीडियो बनाऊँगा, और तू जल्दी से देखिए। अभी नेक्स्ट प्लान मैं भी आपको बताता हूँ क्या करूँगा मैं। माइकल तो को ख़त्म कर दिया, अब बारी है उसके फ्रेंड की, उसके दोस्त को भी जल्द ख़त्म करेंगे। Thank you.